अगर आपको नोट्स लेने हैं अगर आपको टेस्ट लेनी है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर वाट्सअप कर सकते हैं मेरे पास अभी तक नब्बे टेस्ट अवेलेबल है जिसमें लगभग छः हज़ार क्वेश्चन हैं इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है पेपर फर्स्ट के फुल लेंथ टेस्ट है पेपर सेकंड के फुल लेंथ टेस्ट है और दोनों का कम्बाइन भी फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजत और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच नियो रियलिज़म को एक्सप्लेन करूँगा इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्लासिकल रियलिज़म की बेसिक एजम्पन्स एवं उसके एप्लीकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और हमने ये देखा था कि क्लासिकल रियलिज्म में स्टेट को मेन एक्टर माना जाता है और जो ह्यूमन है उसकी नेगेटिव इमेज को एडवोकेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो एन आर की कैरेक्टर है उसके लिए ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन का नेचर रेस्पॉन्सिबल है लेकिन टाइम के साथ क्लासिकल रियलिज्म के इस व्यू को क्रिटिसाइज़ किया गया और बाद में एक नई अप्रोच थोड़े मॉडिफ़िकेशन के साथ आई जिसको हम न्यो रियलिज्म कहते हैं इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्लासिकल रियलिज्म के जो बेसिक अजम्पशंस हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए नाइनटीन सेवेंटीज़ में एक नई थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ जिसको हम न्यो रियलिज्म कहते हैं और इसका जो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है वो है किनेत वोल्ज कनेथ वॉल्ज ने न्यो रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा है और अपनी बुक द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसके बारे में लिखा है यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो 1979 में पब्लिश हुई थी किसने पब्लिश किया किनेथ वोल्ट ने ठीक है और इसी बुक में किनेत वोल्ट ने जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म के जो एजम्पन है उनको डिस्क्राइब किया है उनको एक्सप्लेन किया है क्या कहा है किनेत वोल्ट ने किनेट वोल्ट ने कहा है कि जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ओनली स्टेट के आसपास नहीं डिपेंड होनी चाहिए ये ज़रूर है कि स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक मेन एक्टर होता है लेकिन स्टेट के अलावा इंडिविजुअल और इंटरनेशनल सिस्टम का भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज है उसको इंडिविजुअल स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम इन तीनों के बेस पे डेवलप करना चाहिए अगर क्लासिकल रियलिज्म के मेजर ड्रॉबैक की बात की जाए तो क्लासिकल रियलिज्म ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ओनली स्टेट के बेस पे डिफ़ाइन किया था हमने पढ़ा था कि क्लासिकल रियलिज्म ये कहता है कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोर है और जो स्टेट है वो इगोइस्ट नेचर होता है स्टेट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा और इसी वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो एन होती है इन कैरेक्टर तो ये क्लासिकल रियलिज्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था और इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है न्यू रियलिज़्म में क्लासिकल रियलिज्म के बेसिक एजम्सन्स को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि नेत वोल्थ ये कहते हैं कि जो स्टेट का बिहेव है वो इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है स्टेट के बिहेव के ऊपर इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमने देखा है कि क्लासिकल जो रियलिज़्म है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इनसाइड के टर्म्स में डिफ़ाइन करता है जबकि न्यो डज इट इन द टर्म्स ऑफ आउटसाइड इसको मैं आपको समझाता हूँ जो क्लासिकल रियलिज्म है वो कहता है कि ह्यूमन का नेचर सेल्फिश है ग्रीडी है और जो तो पॉलिसी मेकर है जो इस्टेट्स मैन है वो भी ह्यूमन है तो जो पॉलिसी मेकर है वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाते हैं और जब सभी स्टेट अपने स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका नेचर एन है जबकि न्योरिलिज़म क्या कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम है वो पहले से ही एन है उस एन आर कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है तो यहाँ क्या हो गया ह्यूमन नेचर की वजह से स्टेट के बिहेव की, की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम एन है ये क्लासिकल रियलिज्म कहता है जबकि न्यो रियलिज्म कहता है कि इसके एन आर की करेक्टर की वजह से स्टेट की पॉलिसी ऐसी होती है न्यो रियलिज्म क्लासिकल रियलिज्म के एग्जैक्ट अपोजिट इंटरनेशनल सिस्टम की टर्म्स में स्टेट के बिहेव को डिफ़ाइन करते हैं और जो इंटरनेशनल सिस्टम के एन की है उसके क्या इम्प्लिकेशनस होते हैं स्टेट के बिहेव पे ये एक्सप्लेन करता है किनेथ वोल्ट अपने जो आर्ग्यूमेंट है वो सिस्टम थ्योरी से ड्रॉ करते हैं उनका मानना है कि जो सिस्टम्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट और उनके इंट्रेक्शन से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सेम जो रूल है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर भी अप्लाई होता है किनेथ वोल्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो तीन प्रकार के यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं पहला उन्होंने बताया है एन ऑर्डरिंग प्रिंसिपल सेकेंड द कैरेक्टर ऑफ द यूनिट और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज अब यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूनिट कौन सी हुई पहला है ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हुआ इंटरनेशनल सिस्टम का कैरेक्टर जो एन होता है सेकेंड हुआ कैरेक्टर ऑफ द यूनिट्स यहाँ पे यूनिट हो गई स्टेट स्टेट का कैरेक्टर कैसा है वो डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है और थर्ड हुआ स्टेट की कैपेसिटी ये तीनों एलिमेंट्स का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन होता है आगे किनेत वोल्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो इंटरनेशनल सिस्टम का जो एनार्की कैरेक्टर है उसकी वजह से जो सारे स्टेट है वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और सभी स्टेट्स की जो कैपेसिटी है वो डिफ़रेंट होती है और कुछ स्टेट कमज़ोर होते हैं कुछ स्टेट पावरफुल होते हैं और यही आगे जाकर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको सेप करते हैं उसकी सेप में इनकी कैपेसिटी का रोल होता है जो पावरफुल होगा वो डोमिनेट करेगा जो कमज़ोर होगा वो सफर करेगा नेक्स्ट है एन आर की इज़ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म इज देयर कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ऑन द सोर्स एंड कॉन्टेंट ऑफ द स्टेट प्रीफ्रेंसेज स्टेट की पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है इसके फैक्टर कौन कौन से हैं इसको लेकर क्लासिकल रियलिज्म और न्यो रियलिज़्म दोनों के व्यू अलग अलग हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिकल रियलिज़्म न्यो रियलिज़्म जो स्टेट्स की इंटरनल मेकअप है उसको नहीं मानता है जबकि मोरगेंथाओ का क्लासिकल रियलिज़्म इस बात पे डिपेंड होता है कि जो उसके स्टेट की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके लीडर्स की जो पावर को लेकर लस्ट है उसकी वजह से स्टेट की जो पॉलिसीज़ है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है और वो इंटरनेशनल सिस्टम के एन आर की करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है जबकि किनेट वोल्थ अपने कंसर्ट में ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के एन आर की कैरेक्टर की वजह से स्टेट की बिहेव ऐसा होता है यहाँ पे वोल्ट जो क्लासिकल रियलिज्म के दो मेन एजें्पस है इगोइज़्म और पावर एग्रांटाइजमेंट इन दोनों को ही रिजेक्ट करते हैं और जो थर्ड एजम्पन है द एन आर की इन द इंटरनेशनल सिस्टम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको ज़्यादा इम्पेसाइज करते हैं तो, न्योरियलिस्ट आगे ये आर्ग्यू करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के इस एन आर की करेक्टर की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल है और इसके लिए उन्होंने तीन रीज़न दिए हैं पहला रीज़न है कि जो स्टेट है वो सेपरेट ऑटोनस एंड इक्वल पॉलिटिकल यूनिट है सबके अपने अपने पावर है अपने अपने इंटरेस्ट है और इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट को सेल्फ हेल्प के कंसेप्ट में चलना होता है स्टेट को अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना होता है वो किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंड नहीं हो सकता कि कोई आएगा और उसकी हेल्प करेगा सेकंड रीज़न ये है कि स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो उस रिलेशन के अंदर ट्रस्ट नहीं होता है उस रिलेशन के अंदर अनसर्टेनिटी होती है और इसकी वजह से स्टेट के बीच में सिक्योरिटी दिलेमा क्रिएट हो जाता है और स्टेट को पता है कि उसको अपनी हेल्प खुद करनी है और इसके लिए उसको अपनी सिक्योरिटी को मैग्जीमाइज करना है अपनी पावर को बढ़ाना है सफिशियंट मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करनी है जिससे दूसरे स्टेट के द्वारा अटैक होने पर उसको रोका जा सके और ऐसी जो भाव है जो ये थॉट है स्टेट की उसकी वजह से बाकी स्टेट को वो अपना हमेशा ही दुश्मन समझता है और उसको लेकर कंसर्न रहता है थर्ड रीज़न है कि स्टेट हमेशा ही अपनी पावर को दूसरे स्टेट के कंपेयर में बढ़ाने की कोशिश करता है और इससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है इसके अलावा स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन है वो कम हो जाता है और इससे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए स्टेट्स के ऊपर वो नहीं रहता है क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उससे स्टेट को फ़ायदा होता है लेकिन स्टेट के मन में ये रहता है कि मेरे पड़ोसी को मेरे दुश्मन को मेरे से ज़्यादा फायदा हो रहा है और फिर वो उस पर कम विश्वास करता है और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कम हो जाती है ये तीन रीज़न है जो न्यूरलिस्ट देते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में टेंशन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है सिक्योरिटी दिलेमा अ वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ न्यो हमने ये देखा है कि बहुत सारे अजम्पस ऐसे हैं जहाँ पे क्लासिकल रियलिज़्म और न्यो एग्री करते हैं लेकिन एग्री कहाँ नहीं करते हैं जो न्यो है वो ह्यूमन नेचर पे कम फोकस करता है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है जबकि जो न्योरियलिज़म का मेन फोकस है वो इंटरनेशनल सिस्टम की स्ट्रक्चर पे रहता है और बार बार इस बात पे ज़ोर देता है कि इंटरनेशनल सिस्टम की एन की स्ट्रक्चर की वजह से स्टेट की पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टुअल होती है आगे वोल्ट इस बात को एडमिट करते हैं कि जो स्टेट है इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट्स है वो हमेशा सिक्योरिटी दिलेमा के विक्टिम होते हैं और हमेशा अपने सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के बारे में सोचते रहते हैं और इसी की वजह से स्टेट जो न्यू वीपन है उनमें इन्वेस्ट करते हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एलाइंस करते हैं और अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करते हैं उसको इंश्योर करते हैं और इसकी वजह से लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अलायंस की वजह से न्यू वीपन में इन्वेस्ट करने की वजह से एक आम रेस स्टेट्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है और एक सिक्योरिटी दिलेमा क्रिएट हो जाता है बैलेंस ऑफ पावर अलायंस सिस्टम और आम रेस इज फ्यू ऑफ द स्ट्रेटजिक टूल्स ऑफ द स्टेट इन द गेम ऑफ सर्वाइवल ये सभी वो टूल है जहाँ पे स्टेट अपने सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए यूज़ करता है बैलेंस ऑफ पावर पॉलरिटी एंड स्टेबिलिटी ये भी एक न्यूरिज़म का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसमें ये कहा गया है कि ये बात सही है कि स्टेट एक दूसरे को एक दुश्मन के रूप में देखते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में हमेशा ही खून खराबा हो युद्ध हो और वॉयलेंस हो इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है और इस बात को लेकर दोनों क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म दोनों एग्री हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंस ऑफ पावर के माध्यम से रोका जा सकता है अगर दोनों लड़ने वाले दुश्मनों के बीच में दोनों स्टेट्स के बीच का पावर अगर इक्वल होगा तो कभी भी दोनों वॉर नहीं करेंगे क्लासिकल रियलिज़्मे कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर ये किसी स्टेट की जो पॉलिसी है उसका जो स्टेट क्राफ्ट है उसका जो दिमाग है माइंड है उसका एक प्रोडक्ट है जबकि न्यूरियलिज्म कहता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये इंटरनेशनल सिस्टम की जो डायनामिक स्ट्रक्चर है उसका रिजल्ट है दो स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा तो बैलेंस ऑफ पावर ऑटोमेटिक हो जाएगा वोल्ट और न्योरियलिस्ट इस बात पे एग्री हैं कि जो बाइपोलर सिस्टम होता है वो हमेशा ही स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और जो वॉर के चांसेज़ है उसको कम करता है जबकि अगर वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आएगी और वॉर के चांसेज बढ़ जाएंगे फॉर एग्जांपल माना कि दुनिया में दो कंट्रीज पावरफुल है दुनिया बाइपोलर है एक दूर है रसिया और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स तो दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे की पावर का एस्टिमेट रहेगा और दोनों ही इस सिस्टम को अपनी बादशाहत को अपनी जो उनकी लीडरशिप है उसको मेंटेन करना चाहेंगे हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम में और दोनों कंट्रीज़ नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा कंट्री आए और उनकी पावर को शेयर करें लेकिन अगर बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई जो पावरफुल है और वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गया तो कंट्रीज़ को एक दूसरे की पावर का एस्टिमेट नहीं रहेगा और हमेशा लगेगा कि मेरी पावर कम है और अपनी पावर को बढ़ाने में लग जाएंगे और इससे एक ओपन आर्म रेस स्टार्ट हो जाएगी और जो वर्ल्ड है मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी और वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे अब आगे जाके हम देखते हैं कि जो न्यो रियलिज़्म है जो न्यो रियलिस्ट थिंकर है वो भी आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं जो ऑफेंसिव रियलिस्ट है वो मानते हैं कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट को वॉर को प्रमोट करेगी जबकि डिफेंसिव रियलिस्ट इस बात को मानते हैं कि हम ये जानते हैं कि स्टेट हमेशा ही अपनी सिक्योरिटी को अपनी पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इसकी वजह से वो कभी भी वॉर में जाना नहीं चाहेगा इस प्रकार से नियो रियलिज़म का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है अब हम देखेंगे कि रियलिज़म एज ए अप्रोच एज ए अप्रोच ऑफ आई आज के टाइम में वो कितनी रिलेवेंट है आज के टाइम में रियलिज्म का क्या रिलेवेंस है तो हम ये देखेंगे कि नाइनटीन नाइन्टीज़ के बाद में रियलिज्म का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था और इसके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है द डिसंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ ईस्ट एशियन ये जो फैक्टर्स है इसकी वजह से जो रियलिज्म है बहुत क्लासिकल और नियो ये दोनों ही आउटडेटेड लगने लगे थे और ऐसा डिसाइड हो गया था कि जो लिबरल अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिविट थ्योरीज है वो ज़्यादा रिलेवेंट है आज के टाइम में लेकिन जब यूएस के अंदर उस अटैक के बाद में जो सिक्योरिटी है वो फिर से एक मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था स्टेट का और वहाँ से रियलिज्म ने फिर से मोमेंटम गेन करना स्टार्ट किया अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिज्म रियलिज्म का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जो रियलिज्म है वो हमेशा पावर की बात करेगा पावर सेंट्रिक अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि जो रियलिज़्म है वो हमेशा ही स्टेट को पावर गेन करने के लिए मोटिवेट करता है पावर सीकिंग को प्रमोट करता है और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वॉर को इन इविटेबल बना देता है रियलिज्म की थर्ड क्रिटिसिज्म है कि रियलिज्म हमेशा कोऑपरेशन को म्यूचुअल हेल्प को इंटरनेशनल पीस को रिजेक्ट करता है और कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में पीस पॉसिबल नहीं है लास्ट जो क्रिटिसिज्म है रियलिज्म की वो ये है कि रियलिज्म स्टेट को इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेन एक्टर मानता है और बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर करता है अभी तक हमने आईआर के अंदर क्लासिकल रियलिज्म को पढ़ लिया उसके बाद में हमने न्यू रियलिज्म को पढ़ा है अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लिबरलिज्म तो आप इसके अपडेट के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए नोट्स के लिए थैंक यू अगर आपको नोट्स लेने हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर वाट्सअप कर सकते हैं मेरे पास अभी तक नब्बे टेस्ट अवेलेबल है जिसमें लगभग छः हज़ार क्वेश्चन हैं इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है पेपर फर्स्ट के फुल लेंथ टेस्ट है पेपर सेकंड के फुल लेंथ टेस्ट है और दोनों का कम्बाइन भी फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं